दोस्तों, हाल में ही भारत ने अपना छोटा रॉकेट SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसने कामयाबी का इतिहास रचते हुए अपने साथ ले जाने वाले सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सटीकता के साथ स्थापित कर दिया है। इस छोटे रॉकेट ने EOS-8 और SR-0 डेमोसेट सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इसके साथ ही भारत के पास अब GSLV और PSLV के अलावा SSLV रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुका है। ये इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके पीछे वो काफी वक्त से ताकत झोंक रहा था। दुनिया इस रणनीति को समझ पाती इससे पहले ही इसरो ने कामयाबी हासिल करके बवंडर मचा दिया है, जो अमेरिका और एलन मस्क की कंपनी SpaceX को तगड़ा झटका है, क्योंकि एलन मस्क ने अंतरिक्ष के बाजार में मोनोपोली हासिल करने की कोशिश की थी, जिसे इसरो ने तिनकों में बिखेर दिया है। और अब सैटेलाइट लॉन्चिंग के सबसे बड़े बाजार पर केवल और केवल भारत का कब्जा होगा, क्योंकि इसरो अपनी ये तकनीक तमाम भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करने वाला है, जिसे विदेशी कंपनियों को शेयर नहीं किया जाएगा। तो स्पेस के बाजार में भारत के जबरदस्त सुनामी के बारे में जानने के लिए वीडियो को विस्तार से देखिए। भारत की इस ताकत की हकीकत आपको चौंका देगी। आगे बढ़ने से पहले भारत की स्पेस ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। अंतरिक्ष के बाजार में भारत की कंपनियों का एक तरफा राज कायम। अमेरिकी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत का कर रही रुख। एलन मस्क ने पीट लिया माथा, काम नहीं आ रही फाल्कन 9 की ताकत। अंतरिक्ष के मामले में अमेरिका को सबसे ताकतवर देश माना जाता है। पहले रूस इस मामले में सबसे आगे था, वक्त के साथ अमेरिका इसमें आगे निकल गया, लेकिन जब से भारत ने इस क्षेत्र में एंट्री मारी है तब से बवाल मच गया है। 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था और तब से देश लगातार इस क्षेत्र में अपनी उड़ान भरता रहा, और आज इस मामले में हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी ताकत बन चुके हैं, और खुद रूस को भारत ने अंतरिक्ष में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि रूस ने यूरोप के अंतरिक्ष भारत पर अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका को इस रेस में पीछे करने के लिए भारत काम कर रहा है। अभी ये सपना किसी को मजाक लग सकता है, लेकिन भारत की ताकत को इसका अंदाजा पहले ही हो गया है। इसी वजह से जहां पहले वो अपनी तमाम तकनीक देने में अकड़ दिखाता था, जो रक्षा क्षेत्र में लड़ाकू विमान के इंजन न देकर वो अभी भी दिखा रहा है, वहीं वो भारत की स्पेस ताकत के आगे घुटने टेकते हुए भारत के स्पेस सेंटर के प्रोग्राम में मदद देने को बेताब है, और भारत के एस्ट्रोनॉट्स को अपने कोटे से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर कराने वाला है। उसे इस बात का पूरा अंदाजा हो चुका है कि भारत अंतरिक्ष के बाजार सहित तमाम ताकतों में एक तरफा राज करने वाला है। पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए इसी मकसद से खोल दिए थे, जिससे भारत इस ताकत में बेहद आगे हो जाएगा। और अब भारत की ये निजी कंपनियां अमेरिका समेत पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट पर कब्जा करने वाली हैं, क्योंकि इसरो उन्हें दुनिया का सबसे किफायती रॉकेट SSLV देने जा रहा है। ये अमेरिका की तमाम कंपनियों के साथ एलन मस्क की SpaceX के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर सैटेलाइट लॉन्चिंग का बाजार कितना विशाल है। तो दोस्तों, दुनिया में छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग का बाजार 2020 तक $3.25 बिलियन था, जो कि 2030 तक $13.71 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत इस बाजार में बहुत बड़ी ताकत है, और दुनिया को खुद की तरफ आकर्षित करने के लिए वो लगातार अपनी क्षमता में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा वो इसकी लागत कम करने के लिए तकनीक विकसित कर रहा है, क्योंकि ये इसरो की सबसे बड़ी ताकत रही है कि वो दुनिया में सबसे कम कीमतों में सटीक लॉन्चिंग करता है। अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा, अल्जीरिया, जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर मिलाकर अब तक कुल 21 देश की सैटेलाइट लॉन्च की है। साल 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिनमें 96 अमेरिका के थे और बाकी इजराइल, UAE, होलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के सैटेलाइट थे। अब तक भारत विदेशों की कुल 424 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ विदेशी सैटेलाइट के लॉन्च से ही भारत ने करीब 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। आने वाले वक्त में तमाम क्षेत्रों में स्पेस की ताकत का इस्तेमाल होने वाला है। इस हवा को भारत ने पहले ही समझ लिया था, चाहे वो कम्युनिकेशन या मीडिया का क्षेत्र हो।
तकनीकी का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, हर सेक्टर में स्पेस की ताकत का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां अपने लिए सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहती हैं। लेकिन कोई भी कंपनी इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहती और किफायती विकल्प की तलाश करती है, जबकि अमेरिका जैसे देश में ये बेहद महंगा है। जबकि अमेरिका के भीतर भारी तादाद में निजी स्पेस कंपनियां काम कर रही हैं, वहीं नासा को दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी माना जाता है और एलन मस्क की स्पेस एक्स को बेहद ताकतवर कंपनी माना जाता है। लेकिन इसरो ने एलन मस्क की उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जिसके तहत वो भारत के साथ साथ दुनिया के स्पेस मार्केट पर कब्जा करना चाहते थे और स्पेस एक्स के पास दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट फाल्कन 9 मौजूद है। ज्यादातर कंपनियां छोटे सैटेलाइट का करती हैं इस्तेमाल, केवल खास मकसद से बड़े सैटेलाइट की होती है लॉन्चिंग। इसीलिए भारत ने पहले छोटे सैटेलाइटों पर किया फोकस। सैटेलाइट के बाजार में छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जरूरत ज्यादा होती है, ज्यादातर कंपनियां छोटे सैटेलाइट ही लॉन्च करवाती हैं। कई देश अपने बड़े मिशंस में ही बड़े विशाल सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसी क्षमता नहीं है। भारत के पास भारी सैटेलाइट्स के लिए GSLV और LVM-3 रॉकेट मौजूद है, जबकि इससे भी ताकतवर रॉकेट बनाया जा रहा है जिससे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 का बाजार भी छीना जा सके। लेकिन इसरो ने इससे पहले ज्यादा डिमांडिंग SSLV पर फोकस किया, जो छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग को बेहद किफायती बना देता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि SSLV रॉकेट की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए है, जबकि PSLV की लागत 130 से 200 करोड़ के बीच होती है। वहीं SSLV को केवल 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है। इतनी कम कीमतों में लॉन्चिंग के ऑफर के बाद भारत के बाजार में इतनी भीड़ बढ़ने वाली है कि इसे संभालने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा प्लेटफॉर्म की जरूरत है। लेकिन इसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी है और निजी क्षेत्र इस बाजार में कब्जे के लिए तैयार बैठा है। अग्निकुल कॉस्मास और स्काई रूट जैसी कंपनियां इसके लिए पहले से तैयार बैठी हैं। अग्निकुल ने कुछ वक्त पहले ही अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इस वक्त देश के अंदर सैकड़ों स्पेस कंपनियां अपनी ताकत आजमा रही हैं और जबकि भारत तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अपना दूसरा स्पेस सेंटर भी बना रहा है, जो बेहद विशाल और तमाम अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये 2 साल के अंदर ही काम शुरू कर देगा, जिससे निजी और सरकारी कंपनियां विदेशों के ऑर्डर को हैंडल करेंगी और पूरी दुनिया के लिए भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग का हब बन जाएगा। इसरो अब SSLV की तकनीक भी निजी क्षेत्र को देने जा रही है और वो तकनीक के साथ साथ निजी कंपनियों को इसकी ट्रेनिंग भी देगी। इसके लिए निजी क्षेत्रों को इसरो को फीस देनी होगी। एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही, जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब भारत आने का फैसला किया था और वो सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा के लिए बड़ा समझौता करने जा रहे थे। लेकिन अचानक उनका मूड बदल गया था और उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे अमेरिका भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन के मामले में ऐंठन दिखा रहा है। एलन मस्क को लगा था कि भारत उसे मनाएगा और उसकी तमाम शर्तों को मान लेगा, लेकिन पीएम मोदी किसी भी इंडस्ट्री को परमिशन देने से पहले तमाम रोजगार और तकनीकी मदद का करार करना नहीं छोड़ते। एलन मस्क इसी से बचना चाहते थे। इसके अलावा अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करना चाहता था और मजबूत मोदी सरकार को हटाकर अपने इशारों पर नाचने वाली एक ऐसी सरकार को लाना चाहता था जिसका नेतृत्व किसी विदेशी के हाथ में हो। जबकि एलन मस्क का दौरा मोदी सरकार के पक्ष में हवा बना सकता था, क्योंकि इससे बड़े रोजगार के अवसर बनने वाले थे। इसी वजह से बाइडेन प्रशासन के इशारे पर मस्क ने अपने प्रोजेक्ट को टाल दिया था, लेकिन अब वो उन्हें महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी का सॉलिड पंच पहले ही तैयार था और इसरो भारत तो क्या, खुद अमेरिका के स्पेस बाजार में कब्जा किए जा रहा है। वहीं अब वो बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशन तैयार कर रहा है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। वहीं देश में हर साल सैकड़ों की तादाद में नए स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में धमक दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। अग्निकुल और स्काई रूट इसमें काफी आगे जा चुके हैं। अग्निकुल के पास अपना खुद का लॉन्चिंग पैड है और 2 साल के अंदर ऐसा तमाम स्वदेशी कंपनियों को भारत SSLV रॉकेट की तकनीक दे देगा, जिससे छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, जबकि बड़े विशाल सैटेलाइट के लिए भी रॉकेट तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की इस सुनामी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ना भूलें।